press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. अलवर जिले में लगातार चल रही गोकशी और गो तस्करी की घटनाओं के विरोध में विश्व हिंदू परिषद द्वारा हॉप सर्कस पर धर्म सभा का आयोजन कर धरना दिया गया। पूरा अपने जज्बे के साथ काम करना चाहिए, यानी प्रशासन का साथ दे, कानून कभी हाथ में न ले, क्योंकि कानून हमारे संविधान की देन है और इसका पालन करना हमारा कर्तव्य है। लेकिन कानून के रखवाले अगर सो जाएंगे तो फिर कुछ सोचने पे मजबूर होना पड़ता है। इस दौरान जिला कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। विहिप के कार्यकर्ताओं ने सरकार से गायों की सुरक्षा की मांग की और गो तस्करी और गो कशी के आरोपियों को फांसी दिए जाने की मांग रखी। क्या प्रोग्राम है आज पूरे प्रांत में गो माता पर जो अत्याचार हो रहा है उसके विरोध में हम कलेक्टर और SDM को के माध्यम से मुख्यमंत्री महोदय को ज्ञापन देना चाहते हैं। उद्देश्य यह है कि गाय हमारी माता है, क्योंकि इसमें 33 करोड़ देवी देवताओं का निवास है। समस्त हिंदू समाज ही नहीं, हिंदुस्तानियों को इसके ऊपर विश्वास है, गाय हमारी माता है और इस माता के ऊपर हम अत्याचार नहीं होने देंगे। अगर अत्याचार होगा तो हम प्रशासन से मांग करते हैं कि इन विधर्मियों को, इन अत्याचारों को रोक लगाए, इनको सजा दे। फिर भी अगर समाज सरकार नहीं चेतती है तो हम सामाजिक आंदोलन करेंगे और आंदोलन के द्वारा इन अत्याचारियों को, इन विधर्मियों को, इन कसाईयों को हम कुचलेंगे। बल्कि हम माता के ऊपर अत्याचार नहीं होने देंगे। जब तक माता पर अत्याचार होएगा जब तक हिंदू समाज सुख से नहीं बैठेगा। हम इस ज्ञापन के माध्यम से मुख्यमंत्री महोदय को ये चेताना चाहते हैं कि राज्य में, और प्रधानमंत्री जी को चेताना चाहे हैं कि देश में गौ रक्षा के ऊपर पूर्ण पाबंदी लगे, दोषियों को सजा मिले, गौ रक्षा की सजा करे और गौ अत्याचारों को कम से कम फांसी की सजा होनी चाहिए। इससे कम हमें स्वीकार्य नहीं है। इस दौरान जिलाध्यक्ष केशवचंद शर्मा, सुभाष अग्रवाल सहित काफी संख्या में विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता मौजूद रहे। प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube app एंड नेवर मिस अनदर अपडेट।